तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आंसर यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलोगे, वो क्या होगा, विद्युत का कुछ अलग होगा। समझ में आ गया, जिसमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे, कुचालक। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे, सुचालक। और जो तापक्रम पे कार्य करेगा, कुचालक की भांति और सुचालक की भांति, उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक। ठीक है, तो परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है, अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है, फटाफट बोलते जाओ। परम शून्य तापक्रम पे कुचालक का, अर्धचालक का पदार्थ कैसा व्यवहार करता है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर यानी क्या हो गया, ये कुचालक हो गया। ठीक, कमरे के तापक्रम पर जो अर्धचालक है वो कैसे व्यवहार करता है, बताओ जल्दी से, चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अर्धचालक में ओम का नियम लागू होता है क्या, नहीं होता है। तो अर्धचालक कैसा होता है, अरेखीय प्रतिरोध, अरेखीय प्रतिरोध। तो अर्धचालक को हम क्या बोलेंगे कि अर्धचालक क्या है, अरेखीय प्रतिरोध है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, जल्दी बोलो, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो अर्धचालक जो होते हैं एन टाइप का होता है और दूसरा क्या होता है, पी टाइप का होता है। ठीक है, सिलिकॉन होता है और क्या होता है, जर्मेनियम होता है। तो एनर्जी बैंड जो होता है, एनर्जी बैंड गैप, जिसको अवक्षय क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप को, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। तो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का जो मान है ये आपको याद रखना है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है। तो बताओ जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना होता है, 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बैंड गैप है। ठीक है, और कंफ्यूजन यहीं पे होता है। ठीक है, एक होता है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल कब आती है, तो ये आती है पी एन संधि के लिए, पी एन जंक्शन के लिए। ठीक, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एनर्जी बैंड के लिए आएगा। ठीक, बैरियर पोटेंशियल जो है कब आती है, जब पी एन जंक्शन बन जाता है, पी एन अर्धचालक बनाने के बाद उनको जोड़कर संधि बनाते हो। ठीक, तो उस समय ये आता है। तो ये जर्मेनियम के लिए कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो ये वोल्ट में रहेगा। तो ये 0.3 वोल्ट होता है और ये 0.7 वोल्ट होता है। दोनों में कंफ्यूज होते हैं इसलिए एक साथ लिख दिया हूं कि एनर्जी बोलेगा, ऊर्जा बोलेगा, इसमें ऊर्जा का वर्ड आएगा और ऊर्जा की इकाई होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये बैरियर पोटेंशियल है, तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है पीएन संधि के लिए होता है, ये जर्मेनियम के लिए वोल्ट में आएगा। पोटेंशियल है ना, विभव है, तो विभव की इकाई क्या होगी, वो वोल्ट में वहां पे रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, अर्धचालक परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है। तो मैंने बताया था सिलिकॉन जर्मेनियम क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और साझेदारी करके क्या बनाते हैं, ऐसे बंध। तो अर्धचालक परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध यानी कि
कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, तो अर्धचालक परमाणुओं के मध्य क्या होता है, सहसंयोजी बंध, यानी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे होता है। ठीक, दूसरा मैंने आपको यहां पे बताया था एक कि इस प्रकार से ये कौन सा बंध है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड, संयोजी बंध, चालकता बंध, दोनों के बीच का गैप ही क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब हमारा जो अर्धचालक है, यदि हमारा अर्धचालक कैसा है, इंट्रिंसिक अर्धचालक है, इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, तो उसमें फर्मी एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया था, है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, तो उसको बोलेंगे फर्मी ऊर्जा स्तर। तो फर्मी ऊर्जा स्तर कहां पर रहता है, इन दोनों के ठीक बीच में रहता है। ठीक है, तो संयोजी बंध और कंडक्शन बंध के ठीक बीच में क्या होता है, फर्मी ऊर्जा स्तर, किसमें होता है ये, शुद्ध अर्धचालक में, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि हमारा अर्धचालक जो है पी टाइप है या एन टाइप है, तो ये ऊर्जा स्तर उसी की तरफ सरक जाता है। ठीक है, तो यदि हमारा एन टाइप अर्धचालक होगा, ठीक है, तो ये जो ऊर्जा का स्तर है कहां सरक जाता है, एन टाइप यानी कि ऊपर सरक जाता है कंडक्शन बैंड, और पी टाइप में कहां सरक जाता है, नीचे। ये आप लोग को नहीं आएगा क्योंकि आईटीआई लेवल में ये सब आता नहीं है, है ना ये, लेकिन ये पूछ सकता है कि फर्मी ऊर्जा स्तर कहां पे होता है, तो संयोजी बंध और चालकता बंध के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपका यहां पे हो गया। इसके बाद में जो हम डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग अशुद्ध है ना, ऐसे पूछ देगा डोपिंग किसे कहते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो याद रखना है कि अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम कौन से अर्धचालक का यूज करते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, डोपिंग हम क्यों करते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं, चालकता को बढ़ाने के लिए। डोपिंग क्यों करते हैं, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं। ठीक, तो कितनी मात्रा में डोपिंग की जाती है, तो 10 की घात 1 परमाणु होते हैं शुद्ध अर्धचालक के, ये शुद्ध अर्धचालक है, और इसमें कितने परमाणु अशुद्धि के मिलाए जाते हैं, 1 परमाणु अशुद्धि का मिलाते हैं। तो इतनी कम मात्रा में हम अशुद्धि मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, फिर भी इसकी चालकता क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है कि हम पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हो, पेंटावेलेंट, तो पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, तो उनको पंच संयोजी अशुद्धि बोलते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी अशुद्धि का प्रयोग यहां पे करते हैं। तो ये जो पंच संयोजी अशुद्धि होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दाता अशुद्धि भी बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी इनको बोला जाता है, दाता अशुद्धि इनको बोलते हैं। तो जो डोनर इंप्योरिटी है, दाता अशुद्धि है, या पंच संयोजी अशुद्धि है, कौन कौन सी है, उनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी है बताओ, आर्सेनिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, फास्फोरस है, और बिस्मथ। तो ये अशुद्धियां हैं जो हम यहां पे मिलाते हैं। ठीक, दूसरा कि एन टाइप जो अर्धचालक है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं बहुसंख्यक, और इसमें जो होल होते हैं, होल को हिंदी में छिद्र बोलते हैं, है ना, ये धन आवेश होते हैं। तो होल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। इसके बाद में जो हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं, इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाती हो, जल्दी बोलो, त्रि संयोजी ट्राइवेलेंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कौन सी अशुद्धि बोलते हैं, ग्राही
अशुद्धि इसको बोलते हैं। ठीक, तो ग्राही अशुद्धि कौन कौन सी होती हैं, या त्रिसंयोजी अशुद्धि जो है या ग्राही अशुद्धि जो है कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। कौन सी होती हैं? गैलियम, इंडियम, बोरॉन और होती है एल्यूमिनियम। तो ये त्रिसंयोजी अशुद्धियां यहां पे होती हैं, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम त्रिसंयोजी का प्रयोग करते हैं, और एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए पांच संयोजी अशुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहां पे इन अर्धचालक को क्या कर दोगे आप, यहां पे जोड़ोगे, और जोड़ करके क्या बनाओगे, एक संधि। तो इस संधि को क्या बोलोगे आप, पी एन संधि बोलोगे। तो पी एन संधि जो होती है, ये पी एन संधि होती है। ठीक, और इस पी एन संधि में यहां पे क्या बनती है, एक डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये क्यों बनती है, इसके बनने का क्या कारण है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन को बोलोगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो डिप्लेशन लेयर है, हिंदी में डिप्लेशन लेयर को क्या बोलते हो, अवक्षय परत। तो डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत के बनने का क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्जनन यानी रिकॉम्बिनेशन, वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसके कारण इस संधि के दोनों तरफ एक ऐसी परत का निर्माण होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिप्लेशन लेयर, आवेश विहीन परत होती है, उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो इस डिप्लेशन लेयर में कौन उपस्थित होता है, तो इस डिप्लेशन लेयर में कौन होता है पूछेगा, तो भाई डिप्लेशन लेयर में आयन होते हैं। ठीक है, धन व ऋण आयन होते हैं। तो डिप्लेशन लेयर में कौन होता है, धन और ऋण आयन होते हैं। ठीक है, कौन नहीं होता है, आवेश वाहक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल नहीं होते हैं। ठीक है, और उसी के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है, विभव बन जाता है, जो कि अभी हमने लिखा था सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट होता है। ठीक, डिप्लेशन लेयर की मोटाई कितनी होती है पूछेगा, डिप्लेशन लेयर की मोटाई कितनी होती है, तो 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है, तापक्रम पे, तापक्रम बढ़ाओगे तो मोटाई घट जाएगी। ठीक है, डोपिंग की मात्रा पे, डोपिंग की मात्रा बढ़ाओगे तो मोटाई घट जाएगी उसकी। ठीक, और किस पर निर्भर करती है, अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो इन सब पर ये निर्भर करती है, तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक, तो समझ में आया, तो यदि बोला डोनर प्रकार की अशुद्धि में, डोनर अशुद्धि में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर में कितने होते हैं, 5। ग्राही अशुद्धि में कितने संयोजी, ऐसी पूछ देगा ना, पढ़े सब हो, लेकिन वहां पे कितना दिमाग काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। तो रात को अच्छे से सो के जाओगे ना तो दिमाग आपका जो है अच्छे से काम करेगा। ठीक, अब यदि पूछता है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पे कौन सा आवेश होता है, एन टाइप पर कौन सा आवेश होता है, पी टाइप पे कौन सा आवेश होता है। ठीक है, तो एन और पी टाइप अर्धचालक पे कोई आवेश नहीं होता है, ये कैसे होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। यदि इन पे आवेश होता तो जैसे इसको छूते तो हमको विद्युत शॉक मार देता, तो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पे कोई आवेश नहीं होते हैं, विद्युत रूप से क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। इसके बाद में जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में या फिर बोलेगा डायोड है, डायोड क्या है, एक पीएन जंक्शन है, डायोड क्या है, एक पीएन जंक्शन है, पीएन संधि है ये, है ना।
तो जो डायोड होता है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है कैथोड होता है। तो डायोड एक स्विच की भांति काम करता है, हमने पढ़ा था। तो यदि इसका एनोड धनात्मक है, कैथोड ऋणात्मक है, तो कौन सा बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में ये स्विच क्या बन जाएगा, एक क्लोज स्विच बन जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऋण कर देते हैं, इसको धन कर देते हैं, एनोड को ऋण और कैथोड को धन कर दिए, तो कौन सा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो डायोड क्या बन जाएगा, एक खुला स्विच हो जाएगा, यानी कि धारा को प्रवाहित। तो डायोड जो है वो कैसा स्विच है, एक दिशीय स्विच है, एक पक्षीय स्विच है, यानी यूनिडायरेक्शनल स्विच है और यूनिलैटरल स्विच है, जो केवल एक दिशा में क्या करता है, धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि डायोड की क्या होती है, पी आई वी पूछ सकता है, पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज। तो डायोड की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है ना, उस वो आपको याद रखना है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वह अधिकतम वोल्टेज, वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसको डायोड सहन कर सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए, वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसको बिना ब्रेकडाउन हुए डायोड सहन कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। और इसका महत्व कहाँ पे ज्यादा होता है, रेक्टिफायर सर्किट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का महत्व कहाँ ज्यादा होता है, रेक्टिफायर सर्किट में। क्यों, रेक्टिफायर सर्किट में डायोड के सम्मुख एक तो फॉरवर्ड साइकिल आती है, पॉजिटिव साइकिल आती है, और दूसरी क्या आती है, नेगेटिव साइकिल आती है। तो नेगेटिव साइकिल के समय में वहां पे डायोड को रिवर्स वोल्टेज झेलनी पड़ती है, और यदि उसको नहीं झेल पाएगा तो क्या होगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जल जाएगा वहां पे। तो इसलिए पीक इनवर्स वोल्टेज का प्रयोग हम किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट में। इसका जो उपयोग होता है वो ज्यादा यहां पे रहता है। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको डायोड के सिंबल बताए, तो सिंबल आपको सबको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है बताओ, तो ये किसका सिंबल है, ये ज़ेनर डायोड का। तो ये है ज़ेनर डायोड, ये किसका सिंबल है, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड की तुलना हम किससे करते हैं, वोल्टेज परिवर्ती कैपेसिटर, वीवीसी, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, ज़ेनर डायोड को कौन से बायस में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में। ठीक, वैरेक्टर डायोड को भी कौन से बायस में जोड़ते हो, रिवर्स बायस में। तो इन दोनों को हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ठीक, अब यदि सिंबल जो है वो इस प्रकार से बना दिया है, तो ये किसका सिंबल है बताओ, टनल, कैसे पता चल जाएगा, टी से। तो ये है टनल डायोड, अब यदि इस प्रकार से बना देते हैं सिंबल को, इस प्रकार से, तो ये किसका सिंबल बन गया, स्कॉट की डायोड का। तो ये बन गया स्कॉट की डायोड, क्योंकि इसमें क्या बन गया है, एस, स्कॉट की किससे चालू होता है, एस से चालू होता है। ठीक, यदि इस प्रकार से सिंबल बनाया हुआ है, तो ये किसका सिंबल है, एलईडी का। और यदि इस प्रकार से सिंबल बनाया हुआ है, तो ये किसका है, फोटो डायोड का, तो फोटो डायोड। ठीक, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और सभी डायोड लिख के आएंगे उसे। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, जनरल नॉलेज में भी पूछ सकता है वो। ठीक,
तो एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहां पे होता है। तो ये सारे संकेत जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। डायोड के एक क्वेश्चन जरूर आता ही है इसमें से एग्जाम। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि इनके बारे में, डायोड के बारे में कुछ कुछ मैंने विशेषताएं आपको बनाई थी कि जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज करते हैं जेनर डायोड का, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जेनर डायोड को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, ब्रेक डाउन डायोड है। जेनर डायोड को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन डायोड है, ठीक है। और जो जेनर ब्रेक डाउन होता है वो कितने वोल्ट तक के डायोड में होता है, 5 वोल्ट तक के जेनर डायोड में जेनर ब्रेक डाउन होता है। और उससे ज्यादा वोल्टेज का यदि डायोड होता है तो उसमें एवलेंच ब्रेक डाउन होता है, ठीक। दूसरा यहाँ पे वैरेक्टर डायोड के बारे में मैंने बताया था कि वैरेक्टर डायोड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वैरेक्टर डायोड का प्रयोग कहाँ करते हो, टेलीविजन रेडियो वगैरह के ट्यून सर्किट में करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वोल्टेज परिवर्ती कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये आपको याद रखना है। टनल डायोड जो है, ठीक है, टनल डायोड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, उच्च आवृत्ति दौलित्र में, उच्च आवृत्ति जो ऑसिलेटर होते हैं, दौलित्र होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब में डोपिंग की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है किसमें, टनल डायोड, सबसे ज्यादा डोपिंग टनल डायोड में होती है। जेनर डायोड में भी डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों में सबसे ज्यादा किसमें होती है, टनल डायोड। ये दोनों ही उच्च डोपिंग वाले डायोड है, लेकिन सबसे उच्च डोपिंग किसमें होती है, टनल डायोड होती है। किस डायोड में ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र होता है, टनल डायोड में। तो टनल डायोड में ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसीलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं, दौलित्र परिपथ में करते हैं। स्कॉटकी जो डायोड है, स्कॉटकी डायोड में क्या क्या होता है, इसमें मेटल और सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन होता है। किस डायोड में, ठीक है, किस डायोड में पीएन जंक्शन नहीं होता है, स्कॉटकी डायोड, इसमें कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है ना। इसमें एक साइड में किसका प्रयोग करते हैं, धातु का, मेटल का, और दूसरी साइड में किसका प्रयोग करते हैं, एन टाइप का। तो ये धातु है, ये एन टाइप अर्धचालक है, तो ये पी तो है नहीं, तो पीएन जंक्शन बनेगा नहीं। तो धातु और अर्धचालक का जंक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन नहीं होता है, ठीक। कौन सा डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल ही बोलेंगे उसको, बोलेंगे यूनिपोलर है, यूनिपोलर। कौन सा डायोड यूनिपोलर है, यूनिपोलर को हिंदी में क्या बोलोगे, एक ध्रुवीय युक्ति है, यानी जिसमें केवल या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है या फिर पोल के द्वारा। तो वो कौन सा डायोड होता है, स्कॉटकी डायोड, क्योंकि इसमें एक तरफ क्या है, धातु है, और धातु में केवल धारा किससे प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलईडी जो है, एलईडी जो है, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में हम किसको जोड़ते हैं, प्रतिरोध को, नहीं तो एलईडी क्या होगी, जल जाएगी। एलईडी की वोल्टेज रेटिंग याद रखना है, बहुत बार आता है क्वेश्चन वोल्टेज रेटिंग क्या होती है एलईडी, तो 1.5 से 3.5 वोल्ट के लगभग इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, ठीक। एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश जो है वो किस पर निर्भर करता है, एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश जो होता है उस प्रकाश का जो मान है इससे प्रवाहित फॉरवर्ड करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। एलईडी से प्रवाहित प्रकाश किसके अनुक्रमानुपाती होता है, फॉरवर्ड करंट। काउंटर मशीन में सेंसर के रूप में किस डायोड का यूज करेंगे, फोटोडायोड। तो फोटोडायोड क्या है, काउंटर मशीन में यूज करते हैं, सेंसर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं फोटोडायोड का, ठीक है। तो इसके पीएन जंक्शन पे क्या आके गिरता है, प्रकाश गिरता है, तब इससे क्या प्रवाहित होती है, रिवर्स धारा, ठीक है। तो यदि बोलेगा फोटोडायोड की रिवर्स करंट किस पर निर्भर करती है, रिवर्स वोल्टेज पर या फिर प्रकाश की तीव्रता पे, तो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है ना। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर इसकी रिवर्स करंट बढ़ती नहीं है। तो ये सब एक मोटा मोटी इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है डायोड के बारे में। और बाकी तो मैंने आपको बहुत सारा लिखाया है उसमें, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हो उतना याद रखना है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है एलईडी का। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड,
तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि जो दिष्टकारी होते हैं रेक्टिफायर, है ना, एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने वाली, ऐसे लिखिएगा, एसी को डीसी में बदलने वाली अर्धचालक युक्ति है। अब इसमें एक दे दिया डीसी जनित्र, ठीक, एक दे दिया अल्टरनेटर, एक दे दिया इन्वर्टर और एक दे दिया रेक्टिफायर। बताओ, तो डीसी जनित्र क्या करता है, वो भी एसी को, आर्मेचर में क्या उत्पन्न होती है एसी, बाहरी सर्किट में क्या देता है डीसी, लेकिन क्या वो अर्धचालक युक्ति है, क्या उसको इनपुट में हम एसी देते हैं, नहीं देते हैं, तो अर्धचालक युक्ति क्या है, ठीक है ना। जब बोलेगा, ठीक है, आर्मेचर में या डीसी जनित्र हमको क्या देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डीसी जनित्र का ये काम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे, या मान लो कम्यूटेटर लिख दिया यहाँ पे डीसी जनित्र ना लिख के एक यहाँ पे लिख देता कम्यूटेटर, ऐसे लिख देता, तो आप बोलोगे कम्यूटेटर क्या करता है, तो ये अर्धचालक युक्ति है क्या, नहीं है। तो शब्दों पे ध्यान देना है, है ना, वो क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि आपके दिमाग वहां पे काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रात को सो के जाओगे नहीं, रात भर पढ़ते जाओगे, है ना। तो कोशिश करना नींद भी पूरी लेनी, जब तक नींद पूरी नहीं करोगे तो दिमाग आपका कैसे काम करेगा, दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना, उसको सोचने समझने की शक्ति उसमें होनी चाहिए ना, तो अच्छे से सो के भी जाना है, नींद भी पूरी करनी है ना। तो समझ में आया, शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले समझना है अच्छे से, और फिर आंसर पे टिक करना है वहां पे, ठीक। दूसरा आपको पूछेगा कि अर्धचालक जो दिष्टकारी है उसकी दक्षता कितनी होती है, जल्दी बोलो, अर्धचालक, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसकी दक्षता कितनी होती है, जल्दी बोलो, 40.6%। पूर्ण तरंग जो दिष्टकारी होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसकी दक्षता कितनी होती है, इसकी दुगनी, इसका दुगना कर दोगे, ठीक है। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है इसमें पीआईवी का मान कितना होता है, ठीक है, पूर्ण तरंग में दो दिष्टकारी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक सेंटर टेप, इसमें पीआईवी का मान कितना होता है, 2Vm, ठीक। कितने डायोड का यूज करते हो इसमें, दो, ठीक है। एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज में कितने डायोड का यूज करते हो, 4, ठीक। और इसमें पीआईवी कितनी होती है, तो Vm के बराबर, ऐसे लिखवाया मैंने आपको बताया कि रिपल फैक्टर कितना होता है, तो रिपल फैक्टर अर्ध तरंग में कितना होता है, 0.1.21। पूर्ण तरंग में दोनों में कितना होता है, सेम 0.48, ठीक, ये बताया आपको, तो ये आपको याद रखना है। मैंने बताया है आपको इसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.57। पूर्ण तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। तो ये सभी आपको यहां पे याद रखने हैं, ठीक है। किस दिष्टकारी का प्रयोग लो वोल्टेज पावर सप्लाई में नहीं करते हैं, किसका प्रयोग लो वोल्टेज पावर सप्लाई में नहीं करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का लो वोल्टेज पावर सप्लाई में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, उसमें 4 डायोड, ठीक,
और जो दो डायोड होते हैं वो एक साथ श्रेणी क्रम में यहाँ पे कार्य करते हैं। ये ब्रिज हो गया आपका, यहाँ पे इसको सप्लाई दोगे आप ऐसा, तो ये जब धारा आएगी तो यहां से ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आएगी, ठीक है, समझ आया। तो दो डायोड श्रेणी क्रम में काम करेंगे, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ये दोनों मिलके तो दो वोल्टेज ड्रॉप कर देंगे। 6 वोल्ट की सप्लाई है तो यहीं पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर लोड को तो 4 ही वोल्ट मिलेगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल एक तो हो गया 0.7, आंतरिक प्रतिरोध हो गया वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अगली बात सुन, तो यदि बोलेगा लो वोल्टेज पावर सप्लाई में किस का यूज नहीं करते हैं, कौन से रेक्टिफायर का यूज नहीं करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का यूज वहां पे नहीं करते हैं, ठीक है। दक्षता एकदम याद रखिएगा, दक्षता बहुत बार आती है, ठीक है। उसके बाद में डायोड की टेस्टिंग पूछेगा आप लोगों को जरूर। डायोड की टेस्टिंग मैंने आपको बताई थी कि डायोड को आप कैसे टेस्ट करते हो, तो डायोड को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करोगे, ओम मीटर, तो ओम मीटर का यूज करोगे। तो ओम मीटर में एक होती है लाल लीड और एक होती है काली लीड, काली तार, काला तार होता है। तो यदि लाल को हमने कहाँ जोड़ा है, एनोड पे, और इसको कहाँ जोड़ा है, कैथोड पे, तो कितना दर्शाना चाहिए ओम मीटर, तो ओम मीटर 0 ओम दर्शाना चाहिए। पलट के जोड़ दिया, इधर लाल जोड़ दिया और इधर काला जोड़ दिया, तो क्या दर्शाना चाहिए, अनंत ओम दर्शाना चाहिए। तो पहले वाली स्थिति में, इन दोनों स्थिति में 0 ओम, और यदि पलट के तार को जोड़ देंगे तो अनंत ओम, तो मतलब हमारा डायोड सही है, ठीक। इसके बाद में जो आपका SCR है, SCR का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। किस पदार्थ का बनाया जाता है, सिलिकॉन का, नाम ही उसका सिलिकॉन है, तो किस पदार्थ का बनाते हैं, वो सिलिकॉन का बनाते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, कितनी लेयर होती हैं, ये आपको याद रखना है, कितनी लेयर होती है इसमें अर्धचालक की, तो PN अर्धचालक की 4 परत होती है, कितने जंक्शन होते हैं, 3 PN जंक्शन होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं इसमें, तो ये टर्मिनल यहाँ पे होते हैं, ठीक। तो SCR में क्या क्षमता होती है, कंट्रोल करने की क्षमता होती है ना, किसकी क्षमता होती है, कंट्रोल करने की क्षमता होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो SCR में लेयर याद रखना है, 4 लेयर होती है, 4 परत होती है, 3 PN जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल, एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड, और एक का नाम क्या होता है, गेट होता है। एनोड पर कौन सा विभव देते हैं, तो उच्च धनात्मक वोल्टेज देते हैं, कैथोड पे कौन सी देते हैं, ऋणात्मक वोल्टेज देते हैं, और गेट पे क्या देते हैं, निम्न धनात्मक देते हैं, निम्न धनात्मक वोल्टेज उसको देते हैं, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसी निम्न धनात्मक वोल्टेज उसको यहाँ पे देते हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और SCR को ही हम क्या बोलते हैं, थर्रिस्टर भी बोलते हैं, SCR को ही क्या बोलते हैं, थर्रिस्टर बोलते हैं। SCR का संकेत याद रखना है, ऐसे पूछ दिया भाई कि ये संकेत किसका है, तो ये संकेत किसका है, SCR का, ठीक। दूसरा मैंने बताया था आपको कि एक याद रखना है कि SCR को हम dV/dt सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो dV/dt सुरक्षा प्रदान करने के लिए SCR में किसका प्रयोग करते हैं, हम स्नूबर सर्किट बताया था, तो वो आपको याद रखना है कि SCR में जो हमारा SCR होता है, इस SCR में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको, कि SCR में इस तरह से SCR के समांतर में हम किसको जोड़ देंगे, इस प्रकार से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के संयोजन को जोड़ देंगे, श्रेणी संयोजन को। तो इस परिपथ को क्या बोलते हैं, स्नूबर परिपथ बोलते हैं, और स्नूबर परिपथ का प्रयोग काय के लिए करते हैं, तो SCR को dV/dt सुरक्षा प्रदान करने, तो स्नूबर सर्किट का प्रयोग काय के लिए करते हैं,
तो एससीआर को डीवी बटा डीटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम स्नूबर सर्किट का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है यहाँ पे जीटीओ, जीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थर्स्टर। तो जीटीओ का फुल फॉर्म क्या है, गेट टर्न ऑफ थर्स्टर। ठीक है, तो इसमें भी अर्धचालक की कितनी परत होती है, तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है, तो यह है पी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है पंचड होती है, और यहां पे ये एक एन पॉजिटिव फिंगर्स को ऐसे लगाया हुआ है, और इन दोनों को क्या करते हैं आपस में शॉर्ट, यहां से टर्मिनल निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं एनोड। ठीक, इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, यहां से टर्मिनल निकाल लेते हैं गेट, और यहां से टर्मिनल निकाल लेते हैं कैथोड। तो इसमें भी कितनी परत होती है, तो इसमें पी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कितनी चार परतें। तो चार परत इसमें होती है, अर्धचालक की चार परत होती है, तीन पी एन संधि होती है, और तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक, अब इन टर्मिनल का नाम क्या होता है, सेम जो एससीआर में होता है, एनोड, कैथोड और क्या होता है, गेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जीटीओ जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, गेट के द्वारा ऑन भी कर सकते हैं, गेट के द्वारा ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहां पे गेट से ऑन तथा गेट से ऑफ दोनों कर सकते हैं। तो गेट टर्मिनल जो है, इस गेट टर्मिनल से इसको ऑन भी कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो इसका जो संकेत होता है, ये इसका संकेत है यहां पे, इसमें ऐसा एरो है दोनों में, एक में अंदर आती हुई दूसरे में बाहर जाती हुई। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया गेट। इसका दूसरा संकेत ऐसे होता है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया गेट, और इसमें यहां पे एक लाइन ऐसे लगा दी। तो ये दोनों संकेत ही किसके होते हैं, जीटीओ के होते। ठीक, तो जीटीओ को ध्यान में रखिए। हो गया, इसके बाद में जीटीओ का यूज हम काय के लिए किस में करते हैं, तो इन्वर्टर में और चोपर में। तो इन्वर्टर और चोपर में किसका यूज करेंगे हम, जीटीओ का। ठीक है, तो ये गेट के द्वारा ऑन ऑफ दोनों हो जाता है, इसलिए इन्वर्टर और चोपर में हमको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो वहां पे हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में एक होता है डायक। डायक का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं होता है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, इसको डायक ही बोलते हैं। तो डायक जो होता है, इसमें अर्धचालक पदार्थ की कितनी परत होती है, तो इसमें अर्धचालक की चार परत होती है। कितनी परत होती है, चार परत। ठीक है, कितने पी एन जंक्शन होते हैं, तो इसमें दो पी एन संधि होते हैं। ठीक, कितने टर्मिनल होते हैं, तो इसमें यहां पे दो टर्मिनल होते हैं, इसके टर्मिनल का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, डायग के टर्मिनल का कोई नाम नहीं है, इसको कैसे भी लगा सकते हो आप उल्टा सीधा, जैसे ट्यूबलाइट है कैसे भी लगा सकते हो उल्टा सीधा, है ना, उसके टर्मिनल पे कोई नाम लिखा होता है क्या, नहीं, तो वैसे इसको भी उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो, इसके टर्मिनल पे कोई नाम लिखा नहीं होता। ठीक है, तो अर्धचालक की चार परत याद रखना, दो पीएन संधि याद रखना, और दो क्या होते हैं इसमें, टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसका समतुल्य परिपथ कैसा दिखता है, कि जैसे दो डायोड को सीरीज में एक दूसरे के विपरीत जोड़ा गया है। ठीक है,
तो एक डायोड ये हो गया, दूसरा डायोड ये हो गया, तो दो डायोड को एक दूसरे के विपरीत सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से इसका क्या दिखता है, समतुल्य परिपथ दिखता है। तो इस प्रकार से इसका समतुल्य परिपथ डायोड का यहां पे आपको दिखाई देता है। ठीक, तो डायोड का ये समतुल्य परिपथ यहां पे इस प्रकार से दिखाई देगा। तो डायोड किस प्रकार की युक्ति है, तो डायोड जो है इसको बोलते हैं हम, डायोड जो है इसको हम यहां बोलते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड बाई लैटरल स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, द्वि, तो द्विदिशीय व द्विपक्षीय, ठीक है, तो द्विदिशीय द्विपक्षीय यानी दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित कर सकता है, ये इस दिशा में भी धारा प्रवाहित कर सकता है, इस दिशा में भी धारा प्रवाहित करता है, तो दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित कर सकता है। यानी कि इसको हम यदि एसी सप्लाई में लगा देंगे ना, जैसे कि इसको हमने किस में लगा दिया,